किस उम्र में कमाना है और किस उम्र में पढ़ाई करना है, ये आपका शौक नहीं है, आपके हालात तय करते हैं कि आपके हालात अभी कैसी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसी उम्र में कमाना भी स्टार्ट कर रहे होंगे मजबूरी बस, क्योंकि उनको घर चलाना होता है। कुछ लोगों को कुछ समय के बाद जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो ये हालात डिसाइड करता है कि कब आप किस स्टेज में होने वाले हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म 7। देखिएगा, x² + 1, x⁴ + λx + 1, ऊपर पावर 2, नीचे पावर 4, मतलब ऊपर डिग्री 2 होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हाँ, 4 जरूरी है, ऊपर भले हो या ना हो लेकिन नीचे होना चाहिए। ठीक है, माइनस में भी चलेगा, नीचे ये देखो, नीचे 4 दिख रहा है ना, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मेथड क्या है, मेथड में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² मेक कंप्लीटिंग स्क्वायर अपोजिट अपोजिट ऑफ डिनोमिनेटर, कम ऑन, किसका लेना है, सॉरी अपोजिट ऑफ न्यूमरेटर लेना है। यूज सब्स्टिट्यूशन, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा स्टेप है, पहले ये सब लिख लो, उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताऊं। यहां देखो, अब क्या करना है, आई x² + 1 बाई x⁴ + 1 dx। एक क्वेश्चन ये छोटा सा दिया गया है। देखो हमने क्या बताया कि एक टर्म नीचे जो x⁴ होगा वो होना चाहिए, बाकी ऊपर से ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अगर ऊपर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। इसका पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, x² से डिवाइड कीजिए, तो x² / x² + 1/x² यहाँ x⁴ / x² + 1/x² dx, ये और ये कैंसल। आई इंटीग्रेशन 1 + 1/x² काट दो तो x² + 1/x² dx। ठीक है, ये चीज है, इंटीग्रेशन तो हो ही गया, हो गया। अच्छा अब बताओ, यहां तक आने के बाद फिर मैंने एक लाइन बोला था कंप्लीटिंग स्क्वायर, नीचे वाला का कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, तो a² तो है ही, b² है, तो a² + b² + 2ab, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। लेकिन अब जो स्क्वायर हो सकता है, a² + b² + 2ab भी बन सकता है और -2ab भी बन सकता है, ठीक है, दोनों बन सकता है। तो कौन सा बनना ना बताओ, माइनस वाला, उल्टा अपोजिट ऑफ न्यूमरेटर मैंने लिखाया था, ऊपर में क्या है प्लस है ना, तो नीचे क्या होना चाहिए, x-1/x पूरे का होल स्क्वायर और प्लस कितना बचा 2, आपको माइनस वाला लेकर के चलना है। अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस लेना होता, इससे क्या फायदा हुआ, ये देखो लेट, आप नीचे वाला को टी अज्यूम कर सकते हो, तो x-x⁻¹, तो dt/dx, यहां 1, और जब सॉल्व करोगे तो -1x⁻², तो dt/dx 1 + 1/x² दिख रहा है। dt = 1 + 1/x² इधर किया तो कितना हो गया dx। अब देखिए रिप्लेसमेंट करना आसान है मेरे लिए, इंटीग्रेशन ये हटा दो, कितना हो गया dt,
बाई टी स्क्वायर, और टू को कितना लिख सकते हैं, रूट टू का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला गया, सेट वन सेट टू सेट थ्री, अभी भी लॉग में पड़े हुए हैं, वन बाई ए टेन इनवर्स प्लस सी। तो आई वन बाई ए की जगह क्या दिया हुआ है, रूट टू टेन इनवर्स, और टी की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाई एक्स बाई रूट टू और प्लस सी। सो आई वन बाई रूट टू इट्स अ टेन इनवर्स, इधर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू एक्स और प्लस सी। क्लियर है, यही इसका पूरा प्रोसेस। चलो इसको लिख लो जल्दी से। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स आई, नाउ टेल मी, बताइए सबसे पहले डिवाइड। अब थोड़ा देखो तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर किया तो कितना वन, और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन ऐड किया वन, अच्छा देखो हाँ अच्छा, ये इसमें स्क्वायर किसका बनाना चाहिए, प्लस का कि माइनस का, नीचे प्लस का होना चाहिए था, तो ये दोनों मिलकर वन ऐड किया और वन माइनस हमने कर दिया, ठीक है, तो टोटल मिला के अब कितना होगा, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो टोटल सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वन बाय एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। तो अब बताइए इसमें लेट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, टी, और फिर सॉल्व करके देखिए तो कितना रहा, बताओ तो हमको जल्दी से, और नहीं तो देखो रुक जाओ सुनो, इसको क्या कर लो, लेट टी ले लो, टी इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस वन, सो वी आर गेटिंग डी टी बाई डी एक्स, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सो डी टी इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और इनटू कितना हो गया डी एक्स, इंटीग्रेशन वहां बताओ तो कितना हो जाएगा डी टी, ये टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, तो क्या होना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन बाई कितना होगा बताओ, टू ए लॉग, हाँ टी माइनस वन बाई टी प्लस वन, वन बाई टू ए की जगह क्या लिखे बोलो, वन लॉग टी एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, तो आ जाएगा वन बाई टू लॉग, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है, पूरा का पूरा आंसर यही हो। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, अब नीचे पावर फोर है ऊपर कुछ नहीं है, आप क्या करो सबसे पहले टू मल्टीप्लाई किया टू डिवाइड कर दिया, ऐसे हो सकता है, यहां देखो फिर आई लिखा और वन प्लस वन एक्स का पावर फोर प्लस वन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आई की जगह आई वन बाई टू, ऐसा हो गया, देख रहा है, तो यहां पे देखो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे वन प्लस वन हो गया, ये पोर्शन आप देख रहे हो, मान लो एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का पावर फोर प्लस वन डी एक्स,
क्या हुआ, समझ में आया? जाएगा देखिए अब सुनिए, बता रहा हूं क्या, आई के जगह आई, 1/2, अब 1 + x² / x⁴ + 1, और 1 - x² / x⁴ + 1 dx। आई के जगह आई 1/2, अब दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मान लो 1 + x² x⁴ + 1 dx, और इंटीग्रेशन 1 - x² x⁴ + 1 dx, दिख रहा है? अब उसी प्रोसेस पर आपको लेकर के चलना है। आई की जगह आई 1/2, अब आप क्या करो, इसका नाम I1 रखो और इसका नाम I2 रखो। नाउ I1 को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, 1 + x² / x⁴ + 1 को पता है, अभी जस्ट बताया था आपको, ठीक है। और उसी तरह से I2 को भी आप देख लो, 1 - x² / x⁴ + 1 dx, ये चीज है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कौन सा फॉर्म वन, पहला वाला पावर फॉर्म वन कब पढ़ाया था, जब क्वाड्रेटिक होता है, तो तो उसे क्वाड्रेटिक कहाँ बनेगा, वो क्वाड्रेटिक का बाय क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर टी लेकर रिप्लेस करना पड़ेगा, तब होना चाहिए। अब करके देखो, फंसोगे, नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? उसके बाद I1 सॉल्व कर सकते हैं, I2, ये पूरा प्रोसेस बनाया था, फिर क्या करोगे, फाइनली हाफ I1 + I2 दोनों को ऐड करके इतना कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ संचिता? यस सर। ठीक है, चलिए इतना लिख लो और सब सॉल्व करके फिर इसको ऐड करके फाइनली लिख देना, थोड़ा सा लंबा आएगा इसमें। इस पूरे का आंसर देखो इतना दिया, 1/2√2 है, और यहाँ पे दिख रहा है टेन इनवर्स x² - 1 और √2x और माइनस 1/4√2 log x² - √2x + 1 और x² + √2x + 1 और +c, यही पूरा आंसर आएगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन, I = इंटीग्रेशन √tan θ। देखो जनरली ये 6 मार्क्स में पहले पूछा जाता था, क्लियर है, ये दिखने में छोटा है लेकिन करीब 6 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आता है। तो कैसे करेंगे हम लोग, लेट √tan θ = हमने क्या ले लिया, एक्स ले लो, तो tan θ = कितना होगा, x² होगा। डिफरेंशिएट करो, tan θ का वैल्यू कितना, sec²θ है ना, और इसको लिखोगे तो 2x और फिर dx/dθ, क्योंकि थीटा के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले देखो tan θ का sec²θ, और इसका होगा x^n 2x और फिर x का dx/dθ, इसको सॉल्व कर लो, sec²θ dθ 2x dx, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं dθ = 2x dx/, ये कितना हो गया, sec²θ, dθ = 2x dx, sec²θ को क्या लिखेंगे, 1 + tan²θ, ठीक है, 1 + tan²θ, तो dθ = व्हाट, 2x dx। अच्छा 1 + tan² को क्या लिखेंगे, tan θ को x² और स्क्वायर का पावर कितना होगा, स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, नहीं समझे, ये tan θ का वैल्यू है कि tan²θ का वैल्यू है, यहाँ देखो tan θ का x² है लेकिन tan θ का होल स्क्वायर है, तो x⁴, समझ में आया, ठीक है। अब देखो नाउ अब क्या लिखोगे जी, आई इंटीग्रेशन इसके जगह क्या पुट करें, एक्स
एक्स, और डी थीटा की जगह ये पूरा 2x dx बाई 1 प्लस x का पावर 4। नाउ आई इंटीग्रेशन, तो 2x स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx, आई रखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx। अब हमें क्या करना चाहिए, 1 ऐड करो और 1 माइनस कर दो। आई रखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x² - 1 एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx, आई के जगह आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x का पावर 4 प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x का पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये हमारा I1, ये हमारा I2। ठीक है, तो हमारे पास I1 एंड I2। नाउ I=I1+I2 दिया हुआ है, तो कैसे लिखोगे? I1 का पता है वैल्यू कैसे निकालना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x का पावर 4 प्लस 1 dx अभी सिखाया हूं मैं, एकदम सेम डिक्टो क्वेश्चन था, कैसे करना था बोलो। तो इसका वैल्यू क्या था, क्या था आंसर थोड़ा बता दो, डायरेक्ट हम बता देते हैं 1/√2 टैन इनवर्स, बोलो टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 x था, ये x के टर्म में आया है, लेकिन हमको जवाब किस में देना है, x को रिप्लेस करना होगा किसके टर्म में, थीटा के टर्म में जवाब देना है, क्योंकि क्वेश्चन सब थीटा के टर्म में है। तो बोलो 1/2 होगा, टैन इनवर्स होगा, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखे बोलो, टैन थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह देखो क्या रखेंगे हम लोग, टैन थीटा माइनस 1 और √2 और x की जगह √2 tan थीटा। ठीक है, ये हमारा I1 का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आएगा I1 का, उसी तरह किसका निकालेंगे I2 का, तो I2 का आप लोग निकाल के दिखाओ एकदम, देखो कितना आ रहा है आपको, चलो एक प्रैक्टिस करो, 5 से 6 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो इसको बना के दिखाओ, I2 आप लोग बना के दिखाइए, और फिर दोनों का ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, I1 + I2 आइए देखिए, तो यही पूरा आंसर आना चाहिए आप लोगों का, I2 का वैल्यू ये है, और फाइनली I1 + I2 लास्ट में फाइनल आंसर लिख लीजिएगा, ये I1 और + I2 होगा। ठीक है, अपना घर में आराम से ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन √tan θ / √cot θ d θ, ये आई है। ठीक है, अब बताओ कैसे इसको करना चाहिए हम लोगों को, अब ऐसा नहीं है कि सर उसमें टेन थीटा का इतना लंबा गया तो दोनों इस पर आ गया, करण अर्जुन दोनों आ गया तो और लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है, देखो कैसे बनेगा ये, आई रखो इंटीग्रेशन tan θ / tan θ, ये हो गया, आई रखो इंटीग्रेशन यहां से tan θ, मल्टीप्लाई कर दो तो उधर जब जाएगा तो स्क्वायर में होगा tan θ + 1 d θ, लेट। अब उसी तरह से क्या ले लो, सेम प्रोसेस, x = tan θ√, तो x² = tan θ, डिफरेंशिएट कर लो 2x dx / d θ, sec² θ आ जाएगा, यहां अगर सॉल्व करते हैं तो dx इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है, d θ पहले लाते हैं इधर, तो 2x और dx नीचे होगा sec² θ and d θ, तो 2x dx हो गया, sec² θ को क्या लिखेंगे, 1 + tan²θ = d θ। नाउ 2x dx, सी व्हाट कैन बी रिटन 2x dx, 1 + tan²θ, इसको क्या लिखेंगे, अब tan²θ को x⁴ = d θ, अब वहां पर रिप्लेसमेंट करो, आई इंटीग्रेशन इसके जगह tan x² होगा,
प्लस वन, नीचे आएगा एक्स, और डी थीटा की जगह टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का पावर फोर, ये हमारा होने वाला है। तो ये वाला कैंसल, यहां से टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स का पावर फोर प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा आ गया, पहले जैसा क्वेश्चन आ गया। इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता है कितना है, टू, बताओ कितना होगा, वन बाई टू रूट टू टैन इनवर्स, क्या था लास्ट में इनपुट किए थे ना, हाँ कितना था, हाँ टैन थीटा माइनस अभी पुट किए थे माइनस वन, और बाई रूट टू टैन थीटा का रूट टू, यही था ना प्लस सी, यही पूरा का पूरा आंसर आएगा, टू कट जाएगा, यही फाइनल आंसर आएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अपना सॉल्व कर लीजिएगा जो तुरंत अभी से, हाँ हाँ मतलब ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, देख लो। ठीक है, ऐसे करके बनेगा कुछ।